अगर आप भी अपनी कोचिंग को बहुत बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हो तो ब्रांड बनाने के लिए आपको मार्केटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब जानते हैं जो दिखता है वही बिकता है। अब आपकी कोचिंग, आपके कोर्स आपकी ऑडियंस को दिखेंगे नहीं तो बिकेंगे कैसे, और जब बिकेगा नहीं तो ब्रांड बनेगा कैसे। देखिए, मैं आकाश साहूकार एजुकेशन डोमेन में पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ और स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग में मेरी कोचिंग को लेकर बड़ी एक्सपर्टीज है। बस आज मैं आपको उन्हीं बड़ी टीम का काम करके दूंगा। मतलब मेरा ये है कि भैया आज के टाइम पे बड़े बड़े जो कोचिंग है उनके पास में बड़ी बड़ी डिजिटल मार्केटिंग की टीम है, बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग है जो एनालिसिस करते हैं, एड्स क्रिएट करते हैं, ऑफलाइन स्ट्रेटेजी बनाते हैं। बस मैंने भी कभी कभी उनके लिए काम किया है और वही काम मैंने इन पेपर में उतारा है और आपको पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक समझाऊंगा। वीडियो लंबी जरूर होगी पर एक बार अगर आपने ये वीडियो पूरा सुन लिया तो मार्केटिंग में कहां कहां क्या क्या काम किया जा सकता है और करना चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद में आप बेफिक्र हो जाइए। देखिए, रियलिटी तो ये है कि आपकी कोचिंग की मार्केटिंग आपके अलावा कोई दूसरा पर्सन उतने अच्छे से नहीं कर सकता, क्योंकि आपको आपकी कोचिंग की बेस्ट चीज, वर्स्ट चीज और क्या अलग बनाती है वो सब कुछ आपको पता है। तो मैं भी अपने बिजनेस के लिए अगर हम स्टूडियो सेटअप करते हैं तो उसके एड्स रन करना, उसकी मार्केटिंग करना, उसके लिए कंटेंट क्रिएट करना सब होलसेल करता हूँ। ऑल्दो मेरे पास बड़ी टीम है पर गाइड तो मैं वो नहीं करता हूँ। तो बस इस वीडियो को अब शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे आप अपनी कोचिंग की मार्केटिंग करके सिर्फ आपके छोटे शहर में नहीं पूरे इंडिया में नाम बढ़ा सकते हैं। आप जो भी काम करते हो उससे पहले कुछ तो रिसर्च करते होंगे ना, कुछ पता करते होंगे उसके बारे में। वैसे ही मार्केटिंग करने की पहली स्टेप आप समझो तो आपको कंडक्ट करना पड़ेगी इन डेप्थ मार्केट रिसर्च। नाम भारी है, टेंशन में मत आइएगा, आसान भाषा में समझाता हूं। यार, आप मार्केटिंग करने वाले हो तो आपको दो पहलू ध्यान रखने पड़ेंगे कि जिसके लिए आप मार्केटिंग कर रहे हो वो दिखता कैसे है, वो आइडियल इमेज कैसी है उसकी, मतलब आपका स्टूडेंट, उसकी क्या एज है, आप मेल के लिए सर्व करते हो, फीमेल के लिए सर्व करते हो, सेक्स की बात कर लेते हैं, इसके बाद में बात करते हैं किस जियोग्राफिकल एरिए में आपको मार्केटिंग करनी है, उस जिस स्टूडेंट को आप कैप्चर करना चाह रहे हो उसका बिहेवियर क्या होगा, मतलब आपको आपका आइडियल स्टूडेंट कैसा है, किस एज का है, कैसे बिहेवियर का है, वो सब पता होना चाहिए। अगर आपने ये एक जगह पर नोट करके रख लिया मतलब आपने एक काम तो अच्छे से कर लिया। अब दूसरा, आपको पता है कि आपके जैसे मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, कुछ बहुत अच्छे और कुछ एवरेज, तो आपको क्या करना है, आपको उनकी वेबसाइट एक बार विजिट करनी है और आपको उनका एक बार फेसबुक पेज और यूट्यूब विजिट करना है। अगर वो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकल मार्केटिंग की बात करो या डिजिटल मार्केटिंग की बात करो, अगर डिजिटल मार्केटिंग केस में अगर वो लोग कोई भी एडवर्टाइजमेंट टाइप की चीजें यूज कर रहे हैं तो देखना उनके एड्स भी आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। और सेम ऑफलाइन की कोचिंग में एक बार आप उनके जगह पर जाकर काउंसलिंग ले लीजिएगा। इससे पता है हुआ क्या, आप कॉम्पिटिटर को एनालिसिस कर पाएंगे। आपको पता है आपका और उनका बच्चा टारगेट बिल्कुल सेम है, वो उस टारगेट को अचीव करने के लिए किस तरीके की फिजिकल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं, इस पे फोकस करना। जब भी आपको कोई ऐड दिखे तो वीडियो में वो क्या बातें बोल रहे हैं, किन किन बातों पे फोकस कर रहे हैं, उनके जो ग्राफिक एड्स चलते हैं उसमें वो क्या क्या चीजें हाईलाइट करते हैं, ये सब नोट करने वाली और समझने वाली बातें हैं जिससे आप कॉम्पिटिटर की मार्केटिंग की स्ट्रेटजी को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये दो चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो इसका मतलब ये है कि अब आपको बेसिक मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि आपका टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है और दूसरा आपको उनको दिखाना क्या है। अब इसके बाद तो सारे सिर्फ मार्केटिंग के टूल्स हैं जिसको आपको यूज करना है। जो ये पहली स्टेप मैंने आपको बताई ना, ये यूजुअली किसी बुक्स में दिखती नहीं है, मतलब बताते हैं कि रिसर्च करो पर उसको उस तरीके समझा मैंने भी नहीं आज तक, बट मैंने जब भी किसी के लिए काम किया है तो इस बात को हमेशा ध्यान रखा और ये दो चीजें एक मॉडल के रूप में बनाई है। तो आपको सबसे पहले ये करना है, बिलीव करिएगा ये करने के बाद में आपकी आगे की राह जो मैं आपको बताने वाला हूं बहुत आसान हो जाएगी। पहला पॉइंट है प्रोफेशनल वेबसाइट। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो इसका सबसे बहुत बड़ा रीजन, इंपॉर्टेंट रीजन आप समझिएगा, एक कोचिंग ऑनर टीचर क्या करता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, एक अपने कोर्स को सेल करता ही करता है। अगर आप
अपनी ऐप के थ्रू कोर्स सेल करने की सोच रहे हो तो आज के टाइम पे गूगल ने पॉलिसी लगा दी है, उसको 15-20% देना पड़ेगा आपको। और ये देने से बचना है तो आपको अपने सारे ट्रैफिक को इनिशियली स्टार्टिंग से लेके वेबसाइट पे लेके आना है। और आप भी सोच के देखिए, ऐप के कंपैरिजन में वेबसाइट पर बच्चे ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं सर्च करने के दौरान। गूगल पे आप कुछ सर्च करते हो, सबसे पहले ऐप नहीं दिखती, वेबसाइट ही दिखती है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है, और वेबसाइट कैसे बनानी है, डायनेमिक बनानी है, जिसमें आप धीरे धीरे कुछ ना कुछ अपडेट करते रहो। आपके पास ऑप्शंस होना चाहिए ब्लॉग डालने के, आपके पास ऑप्शंस होना चाहिए करंट अफेयर डालने के, आपके पास ऑप्शन होना चाहिए वहाँ पर कोर्स लिस्ट करो, कोर्स का पेमेंट करो, कोर्स का पेमेंट करके आपके अकाउंट में आ जाए। ये सब कुछ बहुत ही कम प्राइस में बनता भी है और होता भी है। एक एग्जांपल है क्लास प्लस, क्लास प्लस से भी आप देख सकते हो, वो भी आपको वेबसाइट बना के देते। बट हाँ, उससे भी अगर आपको लगता है कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, मार्केट में और ऑप्शन एक्सप्लोर करिए, खुद के डेवलपमेंट से बनाइए, ज़्यादा महंगा नहीं है, नॉर्मली बहुत आसानी से हो जाता है, पर वेबसाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, दृष्टि की वेबसाइट अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको देखोगे प्रीलिम्स, मेंस, करंट अफेयर, दृष्टि स्पेशल, फ्री डाउनलोड्स, इथिक्स, वीडियोस, सारी चीजें, इवन वहां पर नोट्स सेल करने से लेके ऑनलाइन कोर्स सेल करने की सारी इंफॉर्मेशन है। जब आप अपनी वेबसाइट को कंटिन्यूसली डाटा फीड कराते जाते हैं तो देखिएगा धीरे 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 आपकी वेबसाइट की रैंकिंग भी इंप्रूव होती जाती है। तो वेबसाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, दोनों ही केस में। सेकेंड और मेरी नज़र में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्मार्ट क्लास मार्केटिंग। अगर आपका क्लास स्मार्ट है, जैसे वहाँ पर डिजिटल बोर्ड लगा है, कैमरा लगा है, लाइटिंग प्रॉपर है, वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आप अच्छे प्रोडक्शन वीडियो करेंगे, पहला। दूसरा, आप अपने ऑफलाइन स्टूडेंट को भी वो एक्सपीरियंस दे सकते हैं जो स्मार्ट क्लास का एक्सपीरियंस है। आज एलएन, बायजूस, उत्कर्ष, सब जगह पर हर क्लास में देखोगे स्मार्ट बोर्ड लगे हैं, स्मार्ट कैमरे लगे हैं, और यही उनका यूएसपी है। अगर आप छोटे शहर में हो और आसपास की कोचिंग को देखो जो सिर्फ ट्रेडिशनल व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा है, तो आपको स्मार्ट बोर्ड लगा लेना चाहिए अपनी कोचिंग में, और वहां पर आप स्मार्ट बोर्ड लगा के अपने स्टूडेंट्स को स्मार्ट तरीके से पढ़ा सकते हो। ये बहुत ही इफेक्टिव वे है मार्केटिंग का। अगर आप ऐसी जगह पर बैठे हो जहां पर बहुत ही कम स्मार्ट क्लासेस है, आप स्मार्ट क्लास बताकर भी अपने स्टूडेंट को गैदर कर सकते हो, और स्टूडेंट चाहता है स्मार्ट रूप में पढ़ना। तो अगर आप भी अपना स्टूडियो सेटअप कराना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कैमरा, पैनल, लाइटिंग, इसकी प्राइसिंग क्या है, या फिर आपने मन बना लिया है लगवाना ही है, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करिएगा, हमारी टीम आपको बेस्ट प्राइस में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगी। यही ब्यूटी है एजुस्कॉट की, कि वो जो प्राइस है, वो जो सर्विस है, वो सारी चीज़ें आपको बेस्ट पॉसिबल वे में मिलेगी। किसी भी कंपनी का कैमरा ले लो, किसी भी कंपनी के डिजिटल बोर्ड ले लो, बेस्ट प्राइस में हम लोग आपको देते हैं। स्मार्ट क्लास लगाने का सबसे बड़ा फायदा है कि आप एक्चुअल में कंपटीशन के लेवल पे आ जाएंगे। कैसा, आप समझिएगा, आज अलग पांडे किस चीज़ पे वीडियो बना रहे हैं, उनका कंटेंट उनके पास में है, और सिर्फ बोर्ड और स्मार्ट बोर्ड अच्छे कैमरे से। तो आपको अगर अलग पांडे के लेवल पे लेके जाना है अपने प्रोडक्शन को, तो आप क्या करो, सिंपल सा कैमरा पैनल ला लो, आप बराबर हो जाओगे हर ब्रांड की तरह। आज मैं 10x10 के रूम में ये वीडियो बना रहा हूं, पर मेरी प्रेजेंस आप देखोगे किसी बड़े ब्रांड से कम नहीं है। यही पावर है डिजिटलाइजेशन की। तो ऐसे ही स्मार्ट क्लास से आप अपने एडमिशन भी ग्रो करेंगे, अपनी वीडियो की कंटेंट की, अपनी ब्रांड की पोजीशनिंग भी सब कुछ कर पाएंगे। लिस्ट योर बिजनेस लोकली। देखिए, गूगल माय बिजनेस है ना, ये आप कभी भी गूगल पे जाके सर्च करोगे तो जो ऊपर सबसे पहले ऐसे लिस्ट में आते हैं ना चार नाम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर स्टूडेंट अगर अपने आसपास कहीं नीट की कोचिंग सर्च करता है तो नीट कोचिंग नियर मी, ये वहाँ पर उसे सबसे पहले ये गूगल की लिस्टिंग दिखती है। आप विजुअल्स में देख भी रहे होंगे। इसी लिस्टिंग पे आपको टॉप पर आना है। कैसे आओगे, सिंपल सा तरीका है, उस लिस्टिंग को अपडेट करते रहो, उस पर रिव्यू डालते रहो, उस पर रिव्यू पर रिप्लाई करते रहो। मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, यहाँ पे आप टॉप पे आ जाओगे। आपका कोचिंग ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आपको ये दोनों ये लिस्टिंग अडॉप्ट करनी ही चाहिए, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मतलब लिटरली बता रहा हूँ, जिन जिन कोचिंग में हमने ये इम्प्लीमेंट किया है, इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद ही उनके एडमिशन में 10-15% की ग्रोथ तो ऐसे ही आ जाती है ऑर्गेनिकली। आपको अपने बिजनेस की लिस्टिंग करनी होगी। कहाँ कहाँ करनी होगी? सुलेखा, जस्ट डायल, ब्लॉग और एजुकेशन, ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स हैं जहाँ पर आप अपने बिजनेस की, अपनी कोचिंग की लिस्टिंग कर सकते हैं। वहाँ पर पूरी की पूरी एक मिनी वेबसाइट की तरह कंटेंट डाल के आप वहाँ पर प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, इसका अलग फ़ायदा है, यहाँ पर आप पेड भी करेंगे, क्योंकि इन सारी वेबसाइट्स की जब भी आप कोई लोकल सर्च करते हो तो ये वेबसाइट टॉप पर आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट सर्च कर रहा है टॉप 10 नीट क्लासेस नियर मी, तो उसको
गूगल में बिजनेस तो दिखता है, बट कई बार उसके ऊपर सबसे पहली वेबसाइट दिख जाती है ब्लॉक और एजुकेशन की, जहाँ पर वो बता देता है कि ये 5 वेबसाइट टॉप पर है। अगर आपने थोड़े से पैसे दे के उनको टॉप पे ले आए तो वहाँ से भी आपको एडमिशन मिलते हैं और इससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग भी इम्प्रूव होती है। देखिए, मैं हमेशा इस पूरे जर्नी में एक चीज़ कहता हूँ कि हमें लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है। मार्केटिंग इज़ नॉट अबाउट इंस्टेंट आपको फ़ायदा मिल जाए, लॉन्ग टर्म जो आप आज बोओगे कल फल मिलेगा, उसका वेट करना होगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ये जितनी वेबसाइट्स होती है ना, जस्ट डायल में भी आप देखेंगे कि वहाँ पे पेड वर्जन आप ले लो, किसी 5-10 कीवर्ड पे ले लो तो भी आप ऊपर टॉप पे आएंगे। ये सब जो प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ से आपका मोटा बिजनेस बन सकता है, बट शर्त एक है कि जब भी आपके पास में ये सारे लीड जनरेट हो तो इस लीड पर प्रॉपरली फॉलो अप हो। मतलब सपोज जस्ट डायल से आपको एक इंक्वायरी आई, अगर आपके पास में कॉलर एक्टिव है ही नहीं तो ये इंक्वायरी आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म से जो लीड आती है उसे बहुत अच्छे से नर्चर करना होता है, क्योंकि वो आपकी ब्रांड को शायद ना जान रहे हो, आपको बताना पड़ेगा कि आप बाकी सबसे अलग क्यों है। तो ये प्लेटफॉर्म्स आपके लिए हमेशा कारगर होंगे, इस पर हमेशा आप लिस्टिंग करिए। इन सभी पे लिस्टिंग फ्री भी होती है, ऐसा नहीं पेड है, फ्री लिस्टिंग भी होती है, वहां से आप उसको प्रोसीड कर सकते हो। टेक्स्ट मीडिया मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है? ईमेल मार्केटिंग, कोरा मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, SMS मार्केटिंग, ये 4-5 टाइप के जो मार्केटिंग टूल है, ये सारे के सारे पेड होते हैं, बट इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है रीमार्केटिंग का। फॉर एग्जांपल, आपने मुझे स्टूडियो की इंक्वायरी करी, आपको डिजिटल बोर्ड चाहिए, मैंने क्या किया, मैंने आपको उस समय डेमो दिया और उसके बाद में अब मुझे आपको रिमाइंड कराना है कि भैया एजुस्कॉट का एग्जिस्टेंस है, हम बेस्ट हैं, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करूंगा, SMS पे मैसेज करूंगा, अलग अलग जगह से टैप करूंगा। देखिए, रीमार्केटिंग हमको सोचने में ऐसा लगता है बड़ी डिफिकल्ट है, यही रीमार्केटिंग। बेसिकली क्या हुआ कि जैसे आपने किसी की वेबसाइट विजिट करी और वेबसाइट विजिट करने के बाद में आप फेसबुक पे गए तो उसके एड्स आपको दिखने लग गए। इसमें थोड़ा सा टेक्निकल सोशल मीडिया के लोगों की जरूरत पड़ जाती है, बट यहाँ पे आप खुद ही मैनुअली कर सकते हैं। आज के दिन जितने डेमो आए उनको अगले दिन व्हाट्सएप मैसेज भेज दो, उसके 4 दिन बाद फिर व्हाट्सएप मैसेज भेज दो, और इसके पूरे प्रॉपर टूल आते हैं व्हाट्सएप मैसेज, SMS के, उसके बाद में ईमेल मार्केटिंग के। ईमेल मार्केटिंग हर कोई यूज़ नहीं करता, पर आज के टाइम पे हर कोई व्हाट्सएप पे तो अवेलेबल है ना, बहुत सारे स्टूडेंट ईमेल नहीं यूज़ करते। आपके 99% यूज़र जो स्टूडेंट्स हैं और वो व्हाट्सएप चलाते हैं, आप सोचो डायरेक्टली उनके व्हाट्सएप पे आप जो मैसेज भेजना चाहो मैसेज कन्वे कर सकते हो। अगेन, यहाँ पर वो जो मैसेज आप लिखते हो ना वो बहुत ही पावरफुल होना चाहिए, और अगर वो मैसेज पावरफुल है, वो इमेज पावरफुल है, तो आपका कन्वर्जन होने की बहुत बड़े चांसेस हैं, और ये रीमार्केटिंग का बेस्ट टूल है, इसलिए मैंने इसको टॉप प्रायोरिटी पे पहले ही आपको बताना जरूरी समझा। चलिए, अब बात करते हैं आपके, हमारे और हम सब के फेवरेट चीजें जो आप सुनते आए हुए, डिजिटल मार्केटिंग मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग। यस, ये आपको करना है। अब देखो, इसको करने के लिए थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। यहाँ पे आपको पेड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ऑर्गेनिक के बारे में। जैसे कौन सा प्लेटफॉर्म? टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये जो ऐसे प्लेटफॉर्म है ना जो काफ़ी फेमस प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर एक्चुअल में आप अच्छा कंटेंट देंगे ना तो लिटरली आपकी ग्रोथ बहुत स्ट्रांग होगी। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपने स्मार्ट क्लास सेटअप किया है, अब अगर आपने ऑफलाइन क्लास के लिए भी स्मार्ट क्लास सेटअप किया है तो वहाँ पर आप कुछ क्रिएटिव रील कंटेंट, वीडियो डिजिटल बोर्ड और कैमरे के साथ में बनाएंगे और उसे यूट्यूब पे डालिए, उसे इंस्टाग्राम पे डालिए, उसे फेसबुक पे डालिए, उसे टेलीग्राम ग्रुप में डालिए। आपके जो नॉर्मल ऑफलाइन के लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, अगर कोई एक्सपर्ट फैकल्टी कर रही है तो उसे यूट्यूब और सब जगह पर स्प्रेड करिए। हमारा मार्केटिंग का गोल क्या है? हमारा मार्केटिंग गोल है लोगों तक पहुँचना, और लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने का तरीका क्या हुआ? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने का तरीका यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। देखिए, चाहे आप सिर्फ ऑनलाइन चला रहे हो या सिर्फ ऑफलाइन चला रहे हो या दोनों चला रहे हो, दोनों ही केस में आपके लिए सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के टाइम पे देखोगे आप बहुत सारे ऐसे इंग्लिश के गुरु हैं जो इतने यूनिक तरीके से रील बना रहे हैं। आजकल टीचर भी ऐसे रील बना देते हैं कि जहाँ पर नॉर्मली अलग अलग ट्रांजिशन, अलग अलग मोशंस और बड़ी बड़ी अलग अलग अतरंगी तरीके से हो रहा है। ये क्रिएटिविटी आपको डालनी पड़ेगी। आपके पास में लोग हैं, आपके पास में स्टाफ है, धीरे 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 शुरू करिएगा। ये शुरू करने से आपको बड़ा फायदा मिलेगा। तो अगेन यहाँ ध्यान रखिएगा, YouTube, Instagram और Telegram, WhatsApp चैनल भी आजकल आ गया है, बट हाँ, उसको यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, पर मैं आपको ये प्रेफर 3 प्लेटफॉर्म तो पहले ही करूँगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि ये तीनों प्लेटफॉर्म पे आपको कंसिस्टेंट रहना है, और YouTube पे एक्चुअल में आप ग्रो कैसे करोगे तो मैंने नीचे लिंक में आपको वीडियो और दिए हुए कि YouTube पे आपको क्या ग्रो करना है, कैसा कॉन्टेंट बनाना है, इस पर भी मैंने बड़े डिटेल में एजुकेशन चैनल से रिलेटेड ही बातें करी है।
ये ऑर्गेनिक तरीका है, ये ऑर्गेनिक तरीका आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा। देखो खान सर की बात करते हैं, खान सर ने क्या किया, खान सर ने दो प्लेटफॉर्म यूट्यूब और फेसबुक बहुत ही शानदार कॉन्टेंट डाला और उस कॉन्टेंट से उन्हें ये रीच मिली कि आज के टाइम पे लाखों पेड सब्सक्राइबर खान सर की एप्लीकेशन पे है। और ये है पावर ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग की। इसीलिए इस टूल को तो बिल्कुल स्किप मत करिएगा। सिर्फ फोटो डालने से काम नहीं चलेगा, अगेन बता रहा हूँ, आपको वो चीज़ें करनी होगी जो आपके कॉम्पिटिटर कर रहे हैं। स्टार्टिंग में कॉम्पिटिटर रिसर्च की बात करी थी, वो सब यहाँ इम्प्लीमेंट होगा। अब देखिए अगले मार्केटिंग टूल की बात करते हैं, पेड एडवर्टाइजमेंट। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपको इंस्टेंट फायदा मिल जाए तो आप गूगल और फेसबुक को पैसा दीजिए, गूगल एड और फेसबुक एड्स। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ, गूगल एड और फेसबुक एड्स पे आपके कॉम्पिटिटर हैं। अब आपके कॉम्पिटिटर लाख रुपए खर्च कर रहे हो, आप कुछ मत करो, आप 10,000 रुपए महीना खर्च करना स्टार्ट करो एड्स पे। देखिए क्या होता है कि समझिएगा, अगर आप 10,000 लगा रहे हो इसका ये मतलब नहीं है कि जो लाख दिखा रहा है वही आगे रहेगा। आप 10,000 में एक लिमिटेड ऑडियंस तक पहुंच पाओगे, अगर सही तरीके से ऐड चलवा दिए किसी से तो आप लिमिटेड ऑडियंस तक पहुंच जाओगे और उन ऑडियंस पे आप अपना कमाल दिखा सकते हो। तो बजट कम होना प्रॉब्लम नहीं है, नहीं करना प्रॉब्लम है। तो आपके पास में क्या होना चाहिए, जैसे अगर आप 1,00,000 रुपये महीना आपके पास में सेविंग हो रहा है तो उसमें से 10% आप कम से कम मार्केटिंग पे डालिए, पेड मार्केटिंग। तो 10,000 रुपये अगर आप पेड मार्केटिंग पे डालोगे तो अगले महीने शायद ये प्रॉफिट जो 1,00,000 था पिछले महीने वो बढ़ के 1,50,000 हो सकता है। और फिर 1,50,000 के टाइम पे आप 15,000 डालिए। ऐसे कर करके आपको मार्केटिंग बजट हमेशा रखना है। देखिए पेड मार्केटिंग का बजट जो लोग नहीं रखते उनकी सक्सेस, उनकी ग्रोथ इतनी अच्छे से नहीं हो पाती, ये रियलिटी है। मैंने कई टीचर्स के साथ में बैठ के बात करी, देखिए हमारी कंपनी सोशल बुल जहाँ पे हम कोचिंग इंस्टीट्यूट की, स्कूल्स की, यूनिवर्सिटीज़ की डिजिटल मार्केटिंग करते, कई हमारे क्लाइंट्स हैं, बड़े क्लाइंट्स भी है छोटे क्लाइंट्स भी है। तो मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि बड़ा बड़ा क्यों बन रहा है, क्योंकि वो एक्चुअल में पेड एडवर्टाइजमेंट में भी फोकस कर रहा है हर जगह से। तो पेड एड्स लगाना, फेसबुक एड्स और गूगल एड्स लगाना हमेशा आपके लिए काम पे रहेंगे। आज मैं मेरे बिजनेस की बात करूं या मैं किसी भी क्लाइंट के बिजनेस की बात करूं, फिजिक्स वाला की बात कर लो, विकास दिव्यकीर्ति सर की दृष्टि है, इसके भी कई एड्स आपको मिल जाएंगे। यही तो रीजन है मार्केटिंग का, क्योंकि उन्हें क्या जरूरत है। आप सोचो विकास सर के वीडियो में मिलियंस में व्यूज जाते हैं, सब कुछ जाते हैं, पर फिर भी वो मार्केटिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है पेड मार्केटिंग भी इक्वल इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे फेसबुक और इंस्टाग्राम यूट्यूब सब जानता है कि कितना हमें यूजर्स को पुश करना है, क्योंकि इनका घर भी किसी तरीके से चल रहा है। फेसबुक पैसे कैसे कमा रहा है, एड से ही कमा रहा है। तो उसका तो मेन मोटिव है कि लोगों तक पहुंचाना, तो पैसा लेके पहुंचाना। तो यहां पे पेड एड्स में आपको इन्वेस्ट करना ही होगा। नेक्स्ट टूल है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। देखिए अगर आप कंफर्टेबल है 15% गूगल को देने में और आपकी एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि सारा ट्रैफिक आपको अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे ला के रखना चाहिए। देखिए आज के टाइम पे आपकी खुद के एसेट्स क्या है, खुद के प्लेटफॉर्म क्या है, आपकी वेबसाइट और आपकी एप्लीकेशन और आपके लोकल जो कोचिंग है, ये तीन चीज़ें आपके असेट्स हैं। बाकी यूट्यूब पे आपकी प्रोफाइल किसी और की प्रोफाइल है, जब यूट्यूब चाहे डिलीट हो जाएगी, फेसबुक चाहे डिलीट हो जाएगी, आज फेसबुक ग्रोथ दे रहा है कल ना दे, पर अगर आपके पास में अपने स्टूडेंट का डाटा अपने एप्लीकेशन पे रहेगा, आप सारा ट्रैफिक अपनी एप्लीकेशन या अपनी वेबसाइट पर लेकर आएंगे, तो इसका फायदा आपको हमेशा से ही मिलेगा। इसीलिए मार्केटिंग के जितने बड़े एक्सपर्ट आप देखोगे वो सब की सब क्या कहते हैं कि पूरे ट्रैफिक को घुमाकर आप लेकर आओ अपनी वेबसाइट पर, और अपनी वेबसाइट पर लाने से ही आपको बड़ा फायदा मिलेगा। कभी भी एक बात का ध्यान रखिएगा कि जितने आप फॉर्म्स डालते हैं, जितनी आप चीजें सब कुछ डालते हैं, इन सबको एक जगह पर सेंट्रलाइज करने से आपकी मार्केटिंग और भी अच्छी होगी। आपको पता है जब मेरे पास में कोई भी स्टूडियो की इंक्वायरी करता है तो वो सारे नंबर में लेता हूँ, अपने पास रखता हूँ एक जगह पर स्टोर करके, उसके बाद गूगल को देता हूँ और फेसबुक को देता हूँ, बोलता हूँ कि भैया मेरे ये 5 एड ना इन्हीं लोगों को दिखाओ। तो जब भी कोई ऐसी इंक्वायरी आती तो 5 एड सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखते हैं। यही तो रीमार्केटिंग है। और ये क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास में उनके कॉन्टैक्ट नंबर है। अब कल को गूगल हट जाए, फेसबुक हट जाए, मैं व्हाट्सएप का सहारा ले लूंगा, व्हाट्सएप नहीं तो कोई दूसरा सेवा जाएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। पर आपके पास में आपके यूजर का डाटाबेस है, आपके यूट्यूब सब्सक्राइबर का डाटाबेस आपके पास है क्या, नहीं है। कोई डिपेंडेंसी कितनी नहीं, इसलिए अपने चैनल पे राउट करना, मतलब अपनी एप्लीकेशन पे राउट करना। एप्लीकेशन के अपने फायदे अब तक थे, पर अब गूगल ने 15% मांग लिए वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो बड़ा मुश्किल काम हो गया। बट हाँ, अभी भी अगर आप 15% दे सकते हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। एप्लीकेशन पे ट्रैफिक लाना और एप्लीकेशन के थ्रू मार्केटिंग करना, एप्लीकेशन की मार्केटिंग करना भी बहुत अच्छी इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा स्टेप है। देखिए एक बात तो साफ हो गई कि आपको अपने ऑनलाइन कोचिंग की मार्केटिंग करना हो या ऑफलाइन कोचिंग की मार्केटिंग करना हो, आपको डिजिटल वर्ल्ड का सहारा लेना पड़ेगा। बट आपको एक और बात बता दूं,
आप सोच के देखना, फिजिक्स वाला आज अपने यूट्यूब से लाखों लोगों तक पहुंच रहा है, उत्कर्ष लाखों लोगों तक पहुंच रहा है, पर क्यों ये लोकली जाके एक सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट से मीटअप कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि वन टू वन फिजिकल मीटिंग का एक अलग ही प्रेजेंस होता है। अब आप सोचोगे यार ये तो फिजिक्स वाला है, ये तो उत्कर्ष क्लासेस है, इनके एक बार पे पूरा स्टेडियम भरने के दम रखते हैं ये लोग। देखो एक बात तो साफ है, आपके लोकल एरिया में अगर आप चाहो तो कॉलेज में, स्कूल में सेमिनार कंडक्ट कर सकते हो। मैंने ही कई कॉलेज में, कई स्कूल्स में मेरी अपनी कोचिंग के लिए सेमिनार कंडक्ट करें। कैसे करें? उसकी भी एक प्रोसेस है, सिंपल सी प्रोसेस है। आप जाके स्कूल को अप्रोच करो, स्कूल को अप्रोच करो कि हम उन्हें एजुकेट करेंगे, स्कूल को कुछ फ़ायदा दिखाओ। 101% स्कूल भी एग्री करता है। तो आप जितने ज़्यादा सेमिनार करेंगे उतने ज़्यादा आपके पास में एडमिशन होने के चांसेस है। जैसे आप सपोज पीएससी की या यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, आप ट्वेल्थ के, पीसीएम के, बायो के, इन सभी स्ट्रीम के बच्चों को जाके मोटिवेट करिए कि वो कलेक्टर बन सकते हैं, वो डीएसपी बन सकते हैं। आप समझिएगा उनमें से बहुत सारे बच्चे आपसे आकर्षित होंगे, अपने पेरेंट्स को बताएंगे, पेरेंट्स और वो मिलकर आपसे मिलेंगे और 100% कन्वर्जन आएगा। तो सेमिनार जो है वो रूट है मार्केटिंग का, अगर आप ऑफलाइन मार्केटिंग में एक्चुअल में दबदबा बनाना चाहते हैं। देखो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 25 से 30 स्कूल है, 25 से 30 कॉलेज है आपकी सिटी में, उन्हीं को टैप करना है, उन्हीं से रिलेशन बिल्ड करने हैं। अगर ये बिल्ड करने में आप सक्षम हो गए, आपकी मार्केटिंग बहुत ऊपर के लेवल पे जाएगी। चलिए आप कुछ बात कर लेते हैं ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट के बारे में। ये ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट क्या सच में ऑनलाइन के लिए भी हेल्पफुल है? तो बिल्कुल हेल्पफुल है, इस बात को बिल्कुल निगलेक्ट मत करिएगा। मैं अगेन बता रहा हूँ, मार्केटिंग चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो या डिजिटल हो, ये दोनों ही टाइप के बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले समझते हैं न्यूज़पेपर। क्या न्यूज़पेपर में अगर आप ऐड लगाओगे, स्पेशली बड़े बड़े आप देखते हो जैकेट ऐड लगते हैं, पूरे फ्रंट पेज पे ऐड लगते हैं, इसका रिस्पॉन्स बहुत इंस्टेंट आता है। देखिए न्यूज़पेपर भी डेड नहीं हुए और SMS भी डेड नहीं हुए, कोई भी चीज़ डेड नहीं होती, कम होती है। न्यूज़पेपर का इम्पैक्ट आज भी है, हाँ हालांकि कॉस्टली है। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि आपको किस न्यूज़पेपर में ऐड देने हैं। जैसे सपोज आप PSC लेवल के बारे में या SSC लेवल की और इन सब की तैयारी कराते हैं, तो आपका स्टूडेंट न्यूज़पेपर पढ़ता है, किस टाइप का कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ता है, आपको उस पर ऐड लगाने, किस पेज पे उसका फोकस होता है वहाँ पे लग सकता है क्या ऐड। इस तरीके से आपको भी स्ट्रेटेजिकल प्लान करना है। बहुत ज़्यादा खर्चा एड्स पे अगर आप न्यूज़पेपर पे करेंगे तो भी वो काम का आपके लिए नहीं है। साल में एक दो बार अगर न्यूज़पेपर पे चले गए जहाँ पे आप अपना फोटो, अपने रिजल्ट का फोटो और ये सब लगाओ, तो आपके लिए ये भी बेनिफिशियल है और बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं होती। स्पेशली अगर लोकल केस में लोकल न्यूज़पेपर पे लगाना चाहो तो लगा सकते हो, पर ऐसे न्यूज़पेपर जो वीकली आते हैं, लोकल है, बिल्कुल किसी काम के नहीं, आपका स्टूडेंट पढ़ता नहीं है, तो कोई मतलब का ऐड नहीं है वहाँ पे लगाना। अब बात करते हैं होर्डिंग की, बात करते हैं। आप देखोगे अनअकैडमी, बायजूस, फिजिक्स वाला अपने ऑनलाइन कोर्स की भी होर्डिंग लगा के रखे हुए, और ऑफलाइन की तो लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कि ये होर्डिंग आपको कहाँ पे लगानी चाहिए? होर्डिंग आपको एक ऐसे प्लेस पे लगानी चाहिए जो आपकी कोचिंग से नियरेस्ट हो, जो फेमस हो और जो सस्ता भी हो। आपको बहुत ज़्यादा लेविश होर्डिंग पे जाना नहीं, बहुत महंगा खर्चा आता है। एज अ स्टार्टअप तो मैं समझता हूँ कि नहीं ही करें, होर्डिंग को इग्नोर ही करें। होर्डिंग का अल्टरनेटिव होती है वॉल पेंटिंग, वो एक सस्ता सॉल्यूशन है, उस पर आप जाइएगा। वॉल पेंटिंग करने से आपको एक फ़ायदा मिल जाएगा कि छोटे छोटे गाँव में, आसपास के कब्जों में, आसपास के शहर में अगर आप वॉल पेंटिंग कराते हैं तो इसका इम्पैक्ट शहरों में पड़ता है आपकी कोचिंग में। आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोचिंग में आपका बच्चा सिर्फ इसी आपके शहर से आ रहा है, ऐसा नहीं है। ऑफलाइन कोचिंग में भी बच्चा दूर दूर से आपसे पढ़ने आता है। अब बात करते हैं कि बसेस पे, सिटी बसेस होती है उस पर भी आप मार्केटिंग कर सकते हो, पर उसका अल्टरनेटिव क्या? इसका अल्टरनेटिव भी है, बसेस बहुत महंगी होती है, उसका अल्टरनेटिव है ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, इस पर आप काम कर सकते हैं। देखिए हम तो इंदौर सिटी से बिलोंग करते हैं, पेम्पलेट जो होते हैं, पेम्पलेट बांटना और वो सब करना, ये सब अब अलाउड नहीं है इंदौर में। बट अगेन फिर भी अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं पेम्पलेट के थ्रू, तो उसका भी एक तरीका है कि उसको न्यूज़पेपर में रखवा के आप करवा सकते हो। आप लोकल एग्जाम के टाइम पे पेम्पलेट बंटवा सकते हो, अलाउ होना चाहिए, आपके नगर निगम से परमिशन लीजिएगा, नहीं तो कई बार पेनल्टीज बहुत सारी मिलती है। परमिशन तो नगर निगम देती नहीं है, बट अगर आपके नगर निगम स्ट्रिक्ट है तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। उदयपुर, राजस्थान, महाराष्ट्र, ऐसे शहरों में शायद बिल्कुल अलाउ नहीं होता, लोकल जगह पे आप देख सकते हो। तो ऑफलाइन मार्केटिंग का जो क्रिस्प है ना, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या पता है आपको इन सब चीजों में, ऑफलाइन मार्केटिंग में आपके खुद के जो सेंटर है वहां पर आपने अपनी पोजीशनिंग कैसे कर रखी, वहां पर आपने अपनी ब्रांडिंग कैसे कर रखी, वहां पर आप किस तरीके की मार्केटिंग करते हैं। कई बार आप देखो कोचिंग के आगे स्टैंड ही टांगते हैं, कई बार आप देखो कोचिंग में वो रिसेप्शन इतना अच्छा बनाते हैं, काउंसलिंग एरिया इतना अच्छा बनाते हैं। ये सभी चीजें बहुत ही इक्वली इंपॉर्टेंट है।
आप अगर सोच रहे हो कि आपने मार्केटिंग कर ली और अपने यहाँ पे बच्चे लेकर आए और आपके यहाँ पर ही प्रॉपर ब्रांडिंग नहीं है, सब कुछ कुछ नहीं है, तो इम्पैक्ट बिल्कुल गलत पड़ेगा। इसलिए मार्केटिंग आपके रूम से शुरू होती है, आपकी वेबसाइट से शुरू होती है, और वो स्टूडेंट की साइकोलॉजी से रिवर्स होकर देखती है कि भैया जो मेरे को मैंने देखा वो चीज़ यहाँ पर है कि नहीं। बहुत सारे बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बच्चों से भी काउंसिल करता हूँ, डिस्कस करता हूँ ना, तो वो लोग तो इंफ्रास्ट्रक्चर देख के ही एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ भैया यहाँ पे हमको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे भी आप विजिट कराएंगे अपनी स्मार्ट क्लास। स्मार्ट क्लास का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए दोनों के लिए बहुत बेनिफिट है। टीचर्स का टाइम बचा है डिजिटल बोर्ड और ऐसे स्मार्ट गैजेट्स ने जो पहले लिख के करना पड़ता था, अब आजकल बहुत PPT के थ्रू हो जाता है। मार्केटिंग का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डेमो क्लासेस। चाहे वो YouTube के माध्यम से आप डेमो क्लासेस दो या फिर आप अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी डेमो क्लासेस दो। अक्सर डर लगता है डेमो क्लासेस में, अगर आपकी टीचिंग में दम है तो आप डेमो क्लास देने के बाद में बड़े से बड़े कॉम्पिटिटर को बीट कर सकते हो। आप बस बच्चे को डेमो क्लासेस में पर्सनल टच दीजिए, अपनी स्टार फैकल्टीज को डेमो क्लासेस में उतारिए, बच्चा ईजिली कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सारे बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट डेमो देते ही नहीं है क्योंकि दे नो, शायद इसका रीज़न हो सकता है कि उनकी ब्रांड वैल्यू इतनी क्रिएट कर ली है कि बच्चा उनसे डेमो मांगता नहीं है और वो देते भी नहीं है। बट आप उनसे कैसे फाइट कर सकते हो, आप अपने स्टूडेंट्स को बोलिए कि पहले डेमो लीजिए। अगर आपके पढ़ाने में इतना कॉन्फिडेंट है तो ये पहला डेमो जो है ना, चलो सोचो डेमो के इंट्रोडक्शन लेक्चर में ही आपने आपकी मार्केटिंग करी है। आपने मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट, आपने यूजर को आपके प्रोडक्ट की वैल्यू देना शुरू करिए। आपका प्रोडक्ट क्या, आपकी टीचिंग, आपने वैल्यू दी, 100% कन्वर्ट होगा। तो डेमो से डरिए मत, डेमो से भागिए मत। अपनी ऐप पर भी, अपनी वेबसाइट पर भी कुछ लेक्चर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दीजिए। यूट्यूब पे पूरा फ्री मत पढ़ाइए, पर आपका आप देखिएगा कि अगर आप यूट्यूब पे भी प्रॉपर डेमो दे रहे हैं, प्रॉपर वैल्यू दे रहे हैं कंटेंट की, तो लोग आपसे, आपके पास में आपकी सर्विस, आपकी कोचिंग, आपके कोर्स बाय करने आते हैं। डेमो जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है मार्केटिंग का। इसीलिए तो देखो बहुत सारे यूट्यूबर्स करते क्या है, यूट्यूब पे 30 दिन फ्री क्लास चलाते और बोलते हैं 31वां वीडियो आपको देखना है तो हमारी ऐप पे आइए और कोर्स बाय करिए। बच्चा 30 दिन वैल्यू लेने के बाद 31वें दिन लेने जाता ही जाता है, कोर्स खरीद लेता है। ये भी मार्केटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके रोल प्ले आप हो, उसके हीरो आप हो। अब बात करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वेबसाइट बनाने के बाद में वेबसाइट को टॉप पे लाना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप नहीं कर सकते हो, ब्लॉगिंग आप खुद नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको लोगों की जरूरत पड़ती है, सोशल मीडिया कंपनी की जरूरत पड़ती है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगा कि भैया अब हमारे पास में इनफ बजट आ रहा है तो आप इस पर पैसे स्पेंड करना स्टार्ट करिए। ये वैसा है कि आज आपने पैसे लगाना शुरू करे, धीरे 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 बाद थोड़े टाइम के बाद में आपको ऑर्गेनिकली बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा और अच्छा फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब अपनी वेबसाइट को टॉप पर लेके आने की जो प्रक्रिया है उसके लिए आपको लंबा पैसा और लंबा समय देना पड़ेगा। बस इसको तभी करिएगा जब आपके पास बजट हो। वेबसाइट बनाना मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, बट उसको रैंक करके टॉप पे लेके आना और SEO को हायर करना, जो इस फील्ड का एक्सपर्ट है, उसके लिए थोड़ा पैसा लगता है। एंड वो इतना आसान है भी नहीं, हर कोई कर नहीं पाता। इवन आज की डेट में मेरे पास 10-12 मार्केटिंग के लोग हैं, कुछ SEO के लोग हैं, पर फिर भी मैं इस पर फ्रिक्वेंटली कर नहीं पाता क्योंकि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो मुझे इंस्टेंट फायदा दे देते हैं। सेम प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी। ब्लॉगिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑफलाइन बिजनेस हो या ऑनलाइन बिजनेस, इस पर कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई। ऑफलाइन बिजनेस हो या ऑनलाइन बिजनेस, रेफरल मार्केटिंग बहुत अच्छे से वर्क करती है। बेसिकली ऑफलाइन बिजनेस के केस में रेफरल मार्केटिंग क्या हुई, अगर आप नीट JEE की तैयारी करा रहे हो तो 10th से कम वाले जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनको बोलो कि आप हमारे बच्चों को अपने पास रेफर करो और यहाँ भेजो, हम आपको कुछ कमीशन देंगे। ये ऐसे वर्क करता है। आप स्कूल वालों से टाइप कर सकते हो कि आप हमको मौका दीजिए, हम आके सेमिनार देंगे, अगर बच्चे हमारे नीट में कन्वर्ट होते हैं हम आपको कमीशन देंगे। आप इंडिविजुअल टीचर से कमीशन वाला काम कर सकते हो। देखिए ये करना पड़ता है, बड़ी बड़ी कोचिंग भी करती है, ऐसे स्पेशली लोगों की जॉब्स होती है, ऐसे ब्रोकर्स आपको मिल जाएंगे जो बेसिकली काम ही ये करते हैं, बच्चे ला के देते हैं। मतलब इंदौर में तो मैं देखता हूँ कि हमारे रेलवे स्टेशन पे ही स्टूडेंट्स को पिक किया जाता है और बताया जाता है कि मैं आपको अच्छी जगह पे कोचिंग करवा देता हूँ। ये कोटा में भी मिलता है देखने को। तो ये आप ऐसे लोगों से कोऑर्डिनेट करिए जो एक्चुअल में जेन्युइनली इस पे काम कर रहे हैं, आपको यहाँ से ही फायदा मिलेगा। रिफर एंड अर्न, इसका मतलब अगर आपका स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को लेकर आता है आपके एडमिशन में तो उसमें उसको फायदा दीजिए, इससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। हालांकि इस पर बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई। बिंद्रा साहब ने क्या किया, इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग में ले गए। पर ये देखो मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो रिफर एंड अर्न मल्टी लेवल मार्केटिंग का पार्ट नहीं है। यहाँ पे आप जेन्युइनली
एक बार जो बच्चा आपके पास में आएगा उसको आप क्या बता रहे हो, उसको आप अपना डेमो दे रहे हो या अपने अपनी कोचिंग के बारे में बता रहे हो, तो आप उसको अपने प्रोडक्ट के दम पे कन्विंस कर रहे हो, उस बंदे के दम पे कन्विंस नहीं कर रहे हो। बट हाँ, वहां से वहां तक का लाने का काम जो है ना वो पर्सन से करवाना है आपको, और इससे आपको 101% फायदा मिलेगा। देखिए, इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी है। आप अगर एक पेन और कॉपी लेकर बैठे और उसको एक बार नोट डाउन करें और उसके बाद उसमें से टिक करें कि मैं ये 5 चीजें 10 चीजें क्लिक करके इस पे काम करूंगा। देखिए, मार्केटिंग डिफिकल्ट क्यों लगती है, क्योंकि हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म और बहुत सारे जरिए ढूंढ लेते हैं, आपको लिमिटेड ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। तो मैंने इस वीडियो में जितने आपको ऑप्शन बताए उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ ही पिक करने हैं और उस पे एग्रेसिवली काम करना है। मैं अपना एग्जांपल दूं, मैं अभी फेसबुक और YouTube पे एग्रेसिवली वर्क करता हूँ अपने बिजनेस के लिए। इसके अलावा मैं ना ब्लॉगिंग पे फोकस कर रहा हूँ, ना मैं दूसरी चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ, ना होर्डिंग, ना SMS मार्केटिंग और WhatsApp मार्केटिंग अभी चालू करिए। तो आपको भी लिमिटेड ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको बड़ी टीम, बड़े लोग, बड़ा बजट की जरूरत होगी। पर आप धीरे 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 एक एक चीज़ को अडॉप्ट करते चलिए, काम बहुत आसान होगा। ऐसे एक बार नोट जरूर बनाइएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी, और इस वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिली तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और आपके दिमाग में अगर कोई और अच्छा मार्केटिंग आइडिया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।